हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा कस्टम में जो कि हर सैटरडे होता है। दोस्तों, अगर आपको भी हमारे कस्टम में आना है तो फिर ज़्यादा कुछ मत करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा 3 in Gamers में, जिसमें कि आप मौका पा सकते हैं आलोक जीतने का, वीकली जीतने का, कस्टम रूम कार्ड जीतने का, रीनेम कार्ड जीतने का और भी बहुत सारे प्राइजेस, जैसे कि रॉकस्टार का बाल हुआ, रॉकस्टार का बंदर हुआ, उसमें से आप कुछ भी जीत सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। तो एक देखिए, ये है पहला बंदा। ओ भाई, इसका बस कला है। और भाई, गोल्ड में पहुंच चुका है तू। क्या नाम है भाई इसका? सुतलेज। हाँ भाई, सुतलेज। और ये क्या भाई, महक भाई, कैसे हो भाई? कला का बंदर। ओ भाई, और ये देखो, ये भाई ये कौन है? ठीक है, चलो कला। और ये देखो, फिर से महक भाई का पास आ गया है कला का बंदर। और भाई, ये तो ये शायद से जो कि गोल्ड में पहुंचा था। नहीं भाई, ये तो भाई नेपोलियन है। और भाई, चलो अभी हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कि अभी कौन भुया करता है भाई। और फिर इसमें एक गिव अवे है, जो भुया करेगा उसे आलोक मिलेगा, फ्री का आलोक। आपको भी चाहिए तो जाइएगा 3 in Gamers में, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और फिर हर सैटरडे हमारा हर एक कस्टम रूम हम लोग बनाते हैं, हम लोग हर कस्टम रूम बनाते हैं, तो फिर उसमें आपको ज्वाइन होना होगा। उसका नाम रहता है हमेशा आलोक गिव अवे। उसमें आप फर्स्ट आ गए तो फिर आपको आलोक मिल सकता है, आलोक मिलेगा, ठीक है। और फिर दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उसमें हम हमारा जो भी कस्टम का नाम होता है और पासवर्ड सब भेज देंगे। तो फिर चलिए अभी स्टार्ट करते हैं गेम प्ले। तो और ये भाई एलाइट करी उतर चुकी है कदतुआ में। और फिर भाई, ये डीजे भाई उतर चुका है, इन डीजे भाई या बहन जो भी उतर चुके हैं क्रॉक टावर में। और फिर भाई, ये भाई, ओ भाई, कुंफू वाला उतर चुका है हंगार में। चलो भाई देखते हैं। और फिर भाई, ये तो भाई अपना रीमराम विलेज जा रहे हैं। तो चलो, और भाई एक देखो, हमारे महाक भाई जिनके पास कला का बंडल है, वो जा रहे थे ऑब्जर्वेटरी सबसे अलग। और ये हमारे राहुल भाई जो खाली वुकोंग लेके फैक्ट्री के ऊपर उतरना चाहते हैं। और फिर भाई, ये तो भाई, और फिर भाई ये दो, ये वो है जिनका नाम फर्स्ट में था, एलवारो लेके आए हैं। और फिर हमारे महाक भाई आराम से जा रहे हैं लूटने ऑब्जर्वेटरी। लगता है कि उनको भुया चाहिए, सिर्फ किलू नहीं, खाली भुया। और क्या भाई, एस के अलीफ। और क्या, और फिर भाई ये है वही गोल का बंदा। ओ भाई, अभी भाई लगता है कि, और फिर भाई ये जो भी तेलुगु वाले दोनों मिल में, लगता है कि उन दोनों का फाइट होगा। रहने दो। और फिर भाई ये इन डीजे भाई क्लॉक टावर में। और फिर एक और फिर राहुल भाई तो खाली अकेले फैक्ट्री में उतरे हैं। लगता है कि खाली उनको भी महक भाई जैसे भुया चाहिए खाली। चलो देखते हैं, खाली सर्वाइव गेम खेलने से होगा या फिर कभी कभी बीच में रस भी मानना पड़ेगा। और ये भाई एसके अरीफ बॉस जा रहे हैं कोतालीतुआ में ही है। और फिर अभी ऐसे विमास्कत्री स्ट्रिप में जाएंगे। और फिर भाई राहुल भाई तो लगता है खाली भुया के लिए खाली खेल रहे हैं। और फिर भाई ये है, और भाई ये भाई अपने CPR में नेपोलियन भाई। तो चलिए नेपोलियन भाई को अभी देखते रहते हैं कुछ देर तक, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे जो कि दूसरे भाई है उनके पास। और फिर भाई ये है नेहन भाई। तो नेहन भाई भी अपने मैप खोल के पता नहीं कुछ देख रहे हैं उनको कहाँ जाना है। और भाई, जहाँ तक लगता है कि एसके अली बॉस और फिर जो हमारा वो भाई था रेहान भाई का मुकाबला हो सकता है। और फिर भाई ये हमारे एलवारो भाई जिनका नाम फर्स्ट में आया था। और फिर भाई लगता है कि इन दोनों का फाइट हो रहा है अभी। चलिए देखते हैं, सोनोन भाई का फाइट हो रहा है। और देखते हैं कि, और भाई ग्रेनेड जो कि वहाँ पे बंदा को बोल रहे होंगे ग्रेनेड पे। और फिर भाई ये दोनों जन, ओ भाई टीम अप कर रहे हैं। ओ भाई, टीम अप करना अलाउड नहीं है, टीम अप करोगे तो आलोक नहीं मिलेगा। ओ भाई, टीम अप क्या, टीम अप ये वाला गेम खाली आलोक के लिए खेल रहे हो, टीम अप के लिए क्या खेल रहे हो? चलो चुपचाप जाके मारो एक दूसरे को, टीम अप करोगे, बड़ा है टीम अप करो करने वाले। चलो जल्दी जाके मारो एक दूसरे को। ओए ओए, जाओ जाके मारो, ये क्या खाली टीम अप कर रहे हो? अरे भाई ये और भाई हम बोले नेपोलियन भाई को लग रहा है भूया चले, वो भी सबसे अलग उतरे हैं, वो तो आराम से अपना लूटने में लगे हुए हैं। और भी भाई ये रेहान भाई को जहाँ तक लग रहा है कि मेरे को चीत भेज देना चाहिए या फिर क्या करूँ, वही सोच रहा हूँ कि भेजूँ कि नहीं चीत। चलिए देखते रहते हैं, मेरे ख्याल चीत नहीं भेजूँ इनको, चीत नहीं भेजना चाहिए भाई। फिर भी मन तो कर रहा है कि नहीं भेजूँगा चीत, नहीं तो भी बेचारा रो देगा इसलिए। तो चलो भाई, हम आगे देखते हैं। और फिर भाई
एस के अलीफ और नेपोलियन भाई ने टीम अप किया है, तो फिर इन दोनों को आलोक तो मिलने से रहा, छोड़ दो। अभी देखते हैं कि क्या महक भाई राहुल भाई को क्या मिल सकता है आलोक, क्योंकि वो दोनों खाली भुजा के लिए खेल रहे हैं, और फिर ऐसे नेपोलियन भाई को भी, क्योंकि वो भी एकदम अलग उतरे हैं सबसे, तो उनको भी भुजा मिल सकता। और ये भाई इंद डीजे भाई हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, फिर देखते हैं। और फिर हमारे कुंफू वाले भाई यहाँ पे, चलिए देखते हैं कि इन लोग क्या करते हैं। लगता है कि और भाई यहाँ पे फाइट चालू है व्यास कत्री स्ट्रिप में, और भाई ये भी, और लगता है इनको ही भुजा चाहिए, क्योंकि ये भी सबसे अलग उतरे हैं रिमराम विलेज में। क्या लगता है दोस्तों किसका भुजा होगा, महक भाई का कि राहुल भाई का कि असलीफ भाई का कि असलीफ भाई का या फिर नेपोलियन भाई का, कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा। और फिर भाई ये महक भाई का थोड़ा सा लैग खा रहा है। और भाई रित्ते भाई तुम क्या बोलते हो किसका भुजा होगा? मुझे तो लगता है कि ये दो जो टीम अप कर रहे हैं ये दोनों तो मरेंगे, ये दोनों मरेंगे। और जो नेपोलियन भाई है और जो राहुल भाई जो फैक्ट्री के ऊपर उतरे हैं उसे लगता है भुया हो जाएंगे। अरे भाई मेरे को तो लग रहा है जहाँ तक कि महक भाई का भुया होगा इस गेम में। चलो देखते हैं क्या होता है अभी आगे चल के, है ना ऋतिक भाई? और भाई राहुल भाई तो खाली टाइम पास करने के लिए लग रहा है खेल रहे हैं इसमें। और फिर है हमारे नेपोलियन भाई और ये हमारे अभय भाई। हाँ भाई ऋतिक भाई तुम ठीक बोले, फर्स्ट वाला, लेकिन अभी उनको पता चल चुका है कि फर्स्ट वाला है। और भाई और भाई ये यहाँ पे दुश्मन को लालची देने का कोशिश कर रहे हैं खाली फर्स्ट से सब फेंक। और भाई टीम अप क्यों करते हो यार तुम लोग नुबड़ो, टीम अप नहीं करना चाहिए, टीम अप करने से ना मानने का डर रहता है। तुम लोग क्या एक तो नुबड़े हो तभी से भाई टीम अप खड़ी कर लेते हो, ये वाला टीम अप का मैच नहीं है इसमें। खाली आलोक के लिए खेलो या फिर वो जो चाहिए उसके लिए खेलो। अभी चलो देखते हैं कि और फिर भाई महक भाई तो लगता है कि अपने आराम से लूट लूट रहे हैं। और फिर भाई अभी तो उनको लगता है एस के अलीफ से टकराना पड़ेगा, क्योंकि अभी जोन आ रहा है तो फिर उनको भी जोन में घुसना पड़ेगा। और फिर भाई ये है एस के, और भाई राहुल भाई का जोन ही बना है, वो तो खाली ऊपर से नीचे खाली टाइम पास कर रहे हैं, उनका बात छोड़ दीजिए। और भाई आपने नेपोलियन भाई जो जिनका कि नेट गया है शायद से लग रहा है, इसलिए कि जगह में खड़े हैं तभी से। तो चलो फिर एस के अलीफ बॉस एस के अलीफ भाई देखते हैं कि अभी, अरे भाई तुम दोनों टीम अप क्यों कर रहे हो, एक दूसरे को मार दो। और फिर भाई लगता है कि ना, और भाई लगता है कि वो जिसका पास आलोक था उसमें लगता है कि वो जो है कि इन दोनों के साथ लड़ाई हो रहा है। दोस्तों ये तो अपना कुंफू वाला है, ये तो अपना अलग ही कर रहा है कुछ, क्या पता क्या कर रहा है हमें भी नहीं पता। और भाई ये तो, और दोस्तों लगता है कि इनका और फिर अलीफ भाई का लड़ाई होगा, तो चलिए देखते हैं। और ये क्या भाई नाटू भाई, अरे भाई कैसे हो नाटू भाई, आराम से कुंफू वाला लेके कपड़ा चल रहे हो क्लॉक टावर, अरे बच के रहना, क्लॉक टावर में उतरे हैं एक जन तो क्या पता आपको मार ना दे। बहुत ज़्यादा लगता है कि उनके मार दे रित्ते भाई, तुमको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये जाएगा, ये बच भी सकता है, इसका कोई ये नहीं है। और फिर भाई महक भाई और फिर एआर कलेम और फिर जो कि जो हमारा कुंफू वाला पहना था, उन तीनों का बीच में लड़ाई हो सकती है जहाँ तक लग रहा है दोस्तों। और फिर दोस्तों ये तो भाई कुंफू वाला जा रहा है वहाँ पे क्लॉक टावर के पास, जहाँ पे कि हमारा दूसरा भाई था, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और फिर भाई राहुल भाई तो तभी से आराम से ऊपर ही है, महक भाई भी अपने इनके पास आ रहे थे मानने के लिए, क्या पता कि मानने सकते भी कि नहीं। और फिर भाई अभी तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो कर सकेगा, वो दोनों टीम अप के थे ना, तो वो दोनों मिलकर उसको मार देंगे। वो भाई मार दिया, ठीक है चलो अच्छी बात है, मार दिया तो ठीक है, काम कर रहा था। और फिर भाई ये कौन है, नेपोलियन भाई वहाँ पे आराम से देख रहे हैं उनको क्या होता है। और फिर भाई ये तो भाई खुद का ग्रेनेड फोड़ रहे हैं यहाँ पे तो। और फिर महक भाई अपने आराम से सर्वाइव कर रहे हैं। अब राहुल भाई महक भाई नेपोलियन भाई खाली आलोक के लिए खेल रहे हैं, जो जीतेगा उसको आलोक हम लोग नेक्स्ट संडे तक तो दे देंगे। और अगर आपको भी आलोक चाहिए तो मैं फिर से बोलता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा 3 इन गेमर्स में, और फिर उसमें जाके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फिर कमेंट करिएगा आपको जो पार्ट सबसे अच्छा लगा वो करिएगा। फिर उसका बाद हम लोग हर सैटरडे को कस्टम मैच रखते हैं, तो फिर उसमें अगर आप फर्स्ट आ गए तो आपको आलोक मिल सकता है, सेकंड आ गए तो आपको कुछ और मिल सकता है, थर्ड आ गए तो कुछ और मिल सकता है, लेकिन तो फर्स्ट आ गए उसको आलोक मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा ये बात ध्यान से। और फिर उसके बाद आपको, और फिर अगर आप भुया कर लिए और अगर आपको आलोक के अलावा कुछ और चाहिए तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, हम लोग उसको पढ़ के देखेंगे कि हम लोग आपको दे सकते हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी बहुत मस्त मैच हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कि अभी कौन जीतता है।
तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और दोस्तों ये हमारे ओके भाई है, रवि भाई, भाई भाई इनका और ये कराते वाला जो पहना है, इन दोनों का बीच में फाइट हो सकती है क्योंकि वो इनको देख ले जाता है लग रहा है। आप फिर नहीं देखे क्या पता दोस्तों, ज़्यादा देख लेंगे क्योंकि वो वहाँ पे गलूबल बिछा है ना, तो फिर किसी को पता चल सकता है कि वो वहाँ पे है। तो चले दोस्तों अभी आके देखते हैं कि क्या होता है। और भाई जोन तो बहुत बड़ा है और खाली 6 जन और बचे हैं, तो देखते हैं कि क्या राहुल भाई भूया कर पाएंगे। राहुल भाई, मार्क भाई, नेपोलियन भाई, जो तीनों खड़ी आलोक के लिए खेल रहे हैं ज़्यादा लगता है सर्वाइवल गेम, तो क्या वो भूया कर पाएंगे। और फिर भाई ये तो ज़्यादा और लगता है कि भाई ये तो आलोक के लिए नहीं खेल रहे, ये खाली किल के लिए खेल रहे ज़्यादा लग रहा है। और भाई मार्क भाई यहाँ पर फिर से सारी सर्वाइविंग करते हुए, मार्क भाई जोन में चल जाओ, पीछे जोन आएगा। चलो देखते हैं कि अभी ये भाई क्या करते हैं हमारे। और भाई ये तो भाई ग्लाइडर आराम से यूज़ कर रहे हैं, और एक और फिर भाई हमारे नेपोलियन भाई जैसे कि सर्वाइवल खाई गेम खेल रहे हैं। और फिर भाई राहुल भाई को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। चलिए अभी चलेंगे थोड़ा देर के बाद राहुल भाई के पास देखने की, वो फैक्ट्री का अभी भी छत पे है कि वहाँ से नीचे उतर किसको बंदा को मार रहे हैं। और फिर भाई लगता है कि उन दोनों के बीच में फाइट होगा अभी। चलिए फाइट में कौन जीतेगा हमें क्या पता, हमें तो खाली चेंज कर करके देख रहा है। और भाई फाइट कोई कितना भी किल करे, हमें तो भाई जो भूया करता खाली उससे मतलब है, क्योंकि हमें उसको आलोक देना है। जो सेकंड आएगा वो भाई कमेंट में लिख के भेज देगा कि उसको क्या चाहिए, और जो थर्ड आएगा वो भी कमेंट लिख के भेज देगा कि उसको क्या चाहिए, जिसको जिसका कमेंट हमें अच्छा लगा। और दोस्तों और एक बात है, जिसका कमेंट हमको सबसे अच्छा लगा उसको हम हमारे फ्रेंड लिस्ट में और फिर हमारे संग खेलने का एक मौका देंगे, एक नहीं वो हमारा परमानेंट फ्रेंड बन जाएगा। और आप लिख के भेजेगा कि कमेंट में कि आपको कौन सा पार्ट कब से ज़्यादा अच्छा लगा। और क्या भाई तुम खाली तभी से खाली ग्लाइडर यूज़ कर रहे हो। और भाई ये तो भाई टंकी को बना चल के बैठे हैं। और हमारे महाक भाई जिनका पास खाली कार 98 के और MP40 है इनका पास, चले देखते हैं कि ये कार 98 का और MP40 से भूया कर पाएंगे। इतने भाई तुमको क्या लगता? मुझे नहीं लगता कि वो महाक भाई भूया कर पाएंगे, लेकिन मुझे भी नहीं लगता क्योंकि कार 98 को उतना अच्छा गन तो नहीं है वैसे, लेकिन क्या करे जब उनको सारी सर्वाइवल खेलना है तो जो भी गन मिला रखना पड़ेगा अच्छा लगे तो, या फिर वो मार भी सकते क्योंकि अगर उसका एक हेडशॉट लग गया तो ज़्यादा से ज़्यादातर बंदा मर ही जाते हैं ना ऋतिक भाई। यस अभी भाई ये है। और भाई ये अपना ऋतिक भाई है, TSG ऋतिक भाई नहीं है, जो कि आप सोच रहे हो कि भाई ये तुमको TSG ऋतिक भाई का बगल बैठा है। और भाई ये बंदा उसको ललचाने का कोशिश कर रहे हैं, ये जा रहा घूम के आ रहा। और भाई हमारे नेपोलियन भाई और राहुल भाई खाली ऐसे ही सर्वाइवल गेम खेलते हुए। और भाई इनका और साइड से राहुल भाई का, ओ भाई राहुल भाई ने मारा इनको भाई, ओ भाई राहुल भाई ने डैमेज दिया कतई वाला, लेकिन वो उतना यूज़ में नहीं आया, इन्होंने परमानेंट कवर ले लिया। चलिए अभी राहुल भाई को देखते हैं कि राहुल भाई इसको मार पाते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से नहीं मार पाएंगे राहुल भाई, क्योंकि राहुल भाई दूसरे डायरेक्शन से जा रहे हैं, उनको लेफ्ट से जाना चाहिए थे लेकिन वो राइट से जा रहे हैं। और फिर अभी देखिए बिना गलूबल पीछे डायरेक्ट रस मारने, भाई ये तो मार देंगे राहुल भाई तो ज़्यादा लग रहा है मुझे। अभी आपको क्या लगता है जरूर कम। और भाई पीछे में कोई और ने मॉन्स्टर तक चुरा लिया, मतलब कि किसी और ने बाजी मारने का जा रहे हैं राहुल भाई को, तो मानने दो भाई, हमें तो भाई तो खाली भूया से मतलब है, जो भूया करेगा हम तो खाली उसको ही बोलेंगे अच्छा है। तो भी चलिए और भाई ये तो अपने टंकी के ऊपर है, और महाक भाई हमारे फिर से सर्वाइविंग गेम खेलते हुए जो कि शुरू से खेलते आ रहे हैं। और भाई इनका वर्सेस, ओ भाई लगता है कि इनको राहुल भाई ने डैमेज दिया है फिर से। अब भाई राहुल भाई जोन में नहीं, उन्हें जोन में जाना पड़ेगा कुछ भी करके, तो और आगे में जो जोन में बंदा जिनको राहुल भाई डैमेज दे वो होता है। चलिए देखते हैं कि क्या राहुल भाई बच पाएंगे, क्योंकि उनके पास ग्लू और सभी अनलिमिटेड एमओ वाला था, तो यहाँ तो लगता है कि राहुल भाई ग्लू बॉल लगाते लगाते बच जाएंगे। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। और भाई राहुल भाई और उनका फाइट चल रहा है, तो फिर और फिर भाई देखा फाइट चल रहा है। और फिर क्या राहुल भाई फार्मर्स लेके, चलो उतने भी बुरी गन नहीं है फार्मर्स, वो भी ठीक है। और भाई इनको देखते रहते हैं क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि अभी ओ भाई तो एक बैठा है भाई, ऐसी मत बने तो कोई भी हेडशॉट उच्छॉट दे देगा। और फिर एक बार जरा महाक भाई के पास अभी जाके देखेंगे कि वो कहाँ है, तो फिर थोड़ा देर बाद देखेंगे महाक भाई के पास कि वो कहाँ है, ठीक है। तो अभी ऐसा ही गेम चालू है। और भाई ये और फिर ये उन टंकी वाले को देख लिया। ऋतिक भाई तुमको क्या लगता कि महाक भाई इनको मार पाएंगे? मेरे को नहीं लगता कि महाक भाई इसे मार पाएंगे। भाई मेरे को भी कुछ खास तो लगता नहीं है कि महाक भाई इनको मार पाएंगे, क्योंकि कान 98 की है इसीलिए। और इसके पास XM8 है, सॉरी M4A1 है इसके पास। अभी भाई महाक भाई और उनका लड़ाई हो सकता है, महाक भाई और फिर नेपोलियन भाई का अपना लड़ाई हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है महाक भाई और नेपोलियन भाई के बीच। और फिर नेपोलियन भाई आराम से बैठे, अगर महाक भाई चाहते उनके एक आराम से हेडशॉट दे देंगे। ओ भाई दिए हेडशॉट, और भाई खाली 2% लाइफ बचा है, और लगता है कि अभी फर्स्ट यूज़ करेगा भाई ग्लू बॉल,
और महाक भाई जल्दी जाइए ना, तो फर्स्ट एड यूज़ कर लेंगे। और भाई फर्स्ट एड यूज़ कर लिए हो तो देखते हो, अभी देखेंगे कि महाक भाई इनका ऊपर रश मारेंगे कि वैसे अपना सर्वाइवल गेम खेलते रहेंगे। इतने भाई तुमको क्या लगता है? सर्वाइवल गेम ही खेलेंगे भाई, मेरे को लगता है कि रश मारेंगे। अभी देखते हैं कि किसका बात सही होता है। और फिर चले, ओ भाई महाक भाई रस मारने तो आए हैं, लेकिन उनका भाई, लेकिन भाई उनको ग्रेनेड और ग्लूबल उबल कुछ ठीक से यूज़ करना आता उता नहीं है, तो दिखेगा कि उनका आधा से ज़्यादा ग्लूबल कहाँ जाएगा। आखिर देखते रहेगा उनका ग्लूबल, देखे देख रहेगी। और यह पहला ग्रेनेड जो कि, और देखे दूसरा ग्रेनेड, एक देखे तीसरा ग्रेनेड, एक देखे चौथा, एक देखे फिर पाँचवा, देखे 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 सब ग्रेनेड इनका खाली आर पार ही जा रहा है उसका, मतलब उसको एक ग्रेनेड नहीं मार पा रहा है उनका। और फिर अभी लगता है कि वो अभी अभी और रश नहीं, अभी वो खाली सर्वाइव गेम खेलेंगे अभी, क्योंकि क्योंकि अभी उनको जब वो करके देख लिए एक बार कि उनका ग्रेनेड ठीक से नहीं आता उनको, और फिर से ग्रेनेड उठा, क्या भाई मतलब महाक भाई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इस समय में। तो फिर भी देखते हैं कि अभी क्या होता है, महाक भाई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी भाई ये तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा, पीछे जोन आएगा और ये जोन का बाहर है। अभी महाक भाई फिर से सर्वाइवल गेम खेलते खेलते लगता है कि जोन में जाएंगे बचते बचाए। अब भाई ऑफी भाई क्या नेपोलियन भाई अपने किल करो अभी भाई, मुझे लगता है ये जोन से ही मरेगा, मुझे भी ये लगता है। लेकिन ऑफी भाई हमारे रेथान भाई जो कि एक तीन किल कर चुके हैं, और फिर भाई नेपोलियन भाई जीरो, महाक भाई जीरो किल अभी तक। और भी भाई जो हमारे और एक तो भाई है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि अभी उनका नाम याद नहीं है। और भाई ये असिन मैनेजमेंट जो भी नाम है, और भाई इनका एक किल है, मतलब महाक भाई का जीरो किल, नेपोलियन भाई का जीरो किल, असीम भाई का तीन किल। मुझे लगता है कि ये टावर वाले को मार सकता है, मुझे भी ये लगता है, मेरे ख्याल से ऐसे टावर वाला जोन से मरेगा क्योंकि वो। और भाई यहाँ पे हमारे जो रेथन भाई है जिनका तीन किल है, वो एक्सएम में लेकर इनके गलूबल को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो फोड़ तो चुके हैं। अभी आगे देखते हैं कि और क्या करते हैं। और भाई महाक भाई ने कुछ नुबड़ापंती कर दिया यहाँ पे, कला का बंदर तो नहीं फिर भी थोड़ा सा नुबड़ापंती कर रहे हैं क्योंकि दोनों तक ग्लोबल बिछा चुके हैं अभी। लेकिन अभी जब जोन आएगा तब अंदर कैसे जाएंगे, मेन सवाल ये है, क्या अपना ग्लोबल को फोड़ेंगे या फिर ग्लोबल खुद टूटेगा। और भाई नेपोलियन भाई तो लगता है भाई जोन से मरेंगे, और रेतन भाई अपने ठीक है। और भाई रेतन भाई को डैमेज मिला है। और फिर अभी क्या होता है भाई, चार दम ऑफी भाई हमारे महाक भाई ने तोड़ दिया है। ऑफी भाई हमारे एक जन एलिमिनेट और वर्सेस अभी है भाई, अभी भाई नेपोलियन भी नहीं है। मुझे लगता है कि महाक जाएंगे काम से, मुझे लगता है कि महाक जीत जाए क्योंकि अभी खाली आसिफ भाई वर्सेस महाक भाई है। दोस्तों कौन जीतेगा, कौन आलू को लेकर जाएगा यहाँ से, जरूर कमेंट करो। अभी भाई इनका पास है दो गोली वाला सौजन और स्काल है जो कि बहुत अच्छा है मुकाबले में कार 98 किस और MP40 है ना ऋतिक भाई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये क्ला भाई महक भाई की अभी मरने वाले हैं, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि जो कार 98 के है और फिर वो स्कार के मुकाबले ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है। और फिर भाई ये महक भाई को उस तरफ देख रहे हैं, और फिर महक भाई हेडशॉट, महक भाई ने दर हेडशॉट मारे कार 98 भाई ने ले लिया, लोग बाजी मार लिया, आलोक जीत लिया अभी। और फिर अभी अभी और अभी तक महाक भाई जीत चुके हैं। अगर आपको भी आलोक चाहिए महाक भाई तरह तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा कांग्रेचुलेशन महाक भाई इन गेमर्स में, और फिर उसमें जाने का बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर कमेंट करिए। हम लोग हर सैटरडे को एक ना एक कस्टम मैच जरूर रखते हैं, तो फिर उसमें आप भाग लीजिए। और अगर फर्स्ट आए तो आपको भूले कि और फिर हम लोग अगले 3 दिन के अंदर अंदर महाक भाई को आलोक दे देंगे, एक हफ्ता का मतलब, एक हफ्ता के अंदर में महाक भाई को आलोक दे देंगे। और फिर नेक्स्ट 2-3 वीडियो में आपको मिलेगा कि महाक भाई को आलोक मिल चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फेवरेट।